राजस्थान में विगत दिनों से वर्षों से SC OBC और मुस्लिमों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ में ये कार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण में आज 33 जिलों एवं 314 तहसीलों पर रैली प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा शुरू किए गए चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों पर रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करने की मांग की। जिला प्रभारी गुलाबचंद चित्तौड़िया ने बताया कि राज्य में मूल निवासी बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार व अन्य समस्याओं के कारण राज्य का वंचित वर्ग भयभीत और आक्रोशित है। इन वर्गों पर कुछ सालों से अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। समय समय पर अपराधों की प्रतिम सूचना रिपोर्ट संबंधित थानों में दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन के नाकारा रवैये के कारण अपराधी निरंकुश हो गए हैं और अपराध तेजी से बढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि राज्य में जंगल राज कायम हो चुका है। बढ़ते अपराध से त्रस्त होकर मजबूरन इस वर्ग के लोगों द्वारा राज्य में अपनी समस्याओं को लेकर 5 चरणों में आंदोलन शुरू किया गया, जिसका तीसरा चरण आज मंगलवार को है, जिसके अंतर्गत 33 जिलों एवं 314 तहसीलों पर बहुजन समाज के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। चौथे चरण में 29 नवंबर को 33 जिलों और 314 तहसीलों में रैली प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जिला प्रभारी गुलाबचंद चित्तौड़िया ने बताया कि प्रदर्शन में भारत मुक्ति मोर्चा अजमेर, बहुजन क्रांति मोर्चा अजमेर, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा शामिल हुआ है। राजस्थान में विगत दिनों से वर्षों से SC OBC और मुस्लिमों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ में ये कार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिस पर हमारा सबका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। त्रिपुरा आदि जहां पर भी ये केसेस हो रहे हैं उन सब का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन 550 जिलों में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से किया जा रहा है।